हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट की न्यू रिपोर्ट ऑन क्रिप्टो करेंसी एंड फिनटेक। एंड एक काफी अच्छी बात, अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ोगे तो आपको काफी ज्यादा पॉजिटिव चीजें दिखेगी। और जैसे कि लास्ट रिपोर्ट आई थी ऑन बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी, उसके बिल्कुल अपोजिट है, उसके अंदर सब नेगेटिव बातें बताई हुई थी। इस रिपोर्ट के अंदर काफी पॉजिटिव बातें बताई हुई है एंड साथ ही साथ रेगुलेशन की भी बात की हुई है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फिनटेक के ऊपर है जो रिपोर्ट है पूरी। तो फिनटेक का मतलब आपको 10 सेकंड में समझा देता हूँ क्या होता है। फिनटेक बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी। अब जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम था या पुराना सिस्टम था पैसे के लेने देने का, उसमें काफी टाइम वगैरह लगता था। जैसे आप अगर बैंकिंग वगैरह का देखो तो आपको, अगर आप अपनी चेक करना चाहते हो कि आपके पास कितने रुपए पड़े हैं, कब आपने रुपए ट्रांसफर किए, वो सबके लिए आपको पासबुक बनवानी पड़ती थी। तो फिनटेक क्या होता है कि फाइनेंस की जो ये चीजें हैं, फाइनेंस सेक्टर है जो, इसको एमर्ज करना, इसके अंदर नई डेवलपमेंट्स करना, जिसके अंदर काफी चीज आती है। क्रिप्टोकरेंसी भी इसका पार्ट है, लाइक मोबाइल बैंकिंग होगी। जैसे आज के टाइम में हम मोबाइल से पेमेंट एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे, लेकिन अभी से कुछ साल पहले की बात करें तो ये चीज पॉसिबल नहीं थी। इसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज वगैरह, लाइक पहले क्या होता था, सिर्फ हम अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते थे, उसमें स्टॉक्स पड़े रहते थे, लेकिन हम रियल टाइम के ऊपर उसकी वैल्यू चेक नहीं कर सकते थे। लेकिन आज के टाइम में ये चीज पॉसिबल है, इसी को फिनटेक बोलते हैं। क्रिप्टोकरेंसी भी इसी का ही पार्ट है, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो भी इसी का ही पार्ट है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा फिनटेक क्या होता है। तो ये पूरी जो रिपोर्ट इन्होंने बनाई है, काफी बड़ी रिपोर्ट है, 150 पेजेस की, मैंने काफी इसके अंदर पढ़ी है, काफी कुछ चीजें इसने बताई हुई है। मेक श्योर आप भी ये रिपोर्ट पढ़ें अगर आपके पास टाइम हो तो, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दूंगा। तो इसके अंदर फिनटेक के बारे में बताया है कि कैसे फिनटेक जो है वो एमर्ज कर रहा है टेक्नोलॉजी इन फाइनेंस सेक्टर। तो अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा हम उसके ऊपर आते हैं जो हमारे काम की चीज है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनटेक के बारे में बताया, द ग्रोथ ऑफ फिनटेक ऑन द डिजाइनिंग एंड प्रोविजनिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विस बाय यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज इनोवेशन इन द वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स। की काफी डेवलपमेंट हुई है फिनटेक के थ्रू, काफी चीजें चेंज हुई है, कॉस्ट इफेक्टिव है, काफी कुछ इन्होंने पॉजिटिव इसके बारे में बताया है। एंड यहाँ पे आप चीजें पढ़ सकते हैं। हम सीधा मूव करते हैं अपने क्रिप्टो करेंसी की तरफ। तो यहाँ पे इन्होंने ये जो सेक्शन है क्रिप्टो करेंसी का दिया हुआ है, जिसके अंदर इन्होंने इंक्रिप्शन एंड क्रिप्टोग्राफी के बारे में बताया है। अब इन्होंने समझाया कि इंक्रिप्शन क्या होती है, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, इसके क्या पॉजिटिव है। इंक्रिप्शन के बारे में इन्होंने बोला है कि इससे आप जो आपका डाटा है वो सिक्योर रख सकते हो, जो लोग मतलब इंक्रिप्ट करके इसको आप जो है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो ताकि उसको कोई और देख ना सके एंड वो सिक्योर रहे। एंड ये सब चीजें यहाँ पे इन्होंने क्रिप्टोग्राफी को एक्सप्लेन किया है कि काफी बेनिफिट्स है क्रिप्टोग्राफी के, लाइक प्राइवेसी होती है इसके अंदर, कोई भी आउटसाइडर पर्सन इसको नहीं देख सकता, ट्रांजेक्शन रिपीट नहीं होती बार बार सेम ट्रांजेक्शन की, डुप्लीकेशन को अवॉइड कर सकते हैं हम, इंटीग्रिटी एंड इसी के साथ साथ और चीजें इन्होंने कॉन्फिडेंशियली वगैरह ये सब चीजें बताई है इन्होंने। एंड इन्होंने भी बताया कि इसके थ्रू केवाईसी एंड एएमएल की जो प्रोसेस होती है वो भी काफी ज्यादा पोटेंशियली इंप्रूव हुई है इस चीज के अंदर। इसके बाद इन्होंने ब्लॉकचेन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है, जो कि इन्होंने लास्ट रिपोर्ट के अंदर भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, डीएलटी को, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने बताया कि डीएलटी कैसे हेल्पफुल है एंड जो क्रिप्टोकरेंसी है वो सिर्फ डीएलटी जो है वो सिर्फ क्रिप्टोकरेंसी तक लिमिटेड नहीं है, इसको काफी ज्यादा एक्सपेंड इन्होंने किया एंड काफी चीजें इसके बारे में बताई है कि डीएलटी कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, कॉस्ट के अंदर काफी ज्यादा रिडक्शन हमें देखने को मिलती है। तो ये सब चीजें यहाँ पे इन्होंने बोली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने बेनिफिट्स बताए कि अगर हम ब्लॉकचेन का यूज करते हैं मेजर फिनटेक एप्लीकेशंस में तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। हम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं अंडर द करंट स्ट्रक्चर ऑफ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स यूजिंग स्विफ्ट बिटवीन टू कंट्रीज। तो इसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है और मतलब यू नो कॉस्ट भी इसकी काफी ज्यादा आती है पेमेंट, और रियल टाइम पे मतलब यू नो अब हम भेज रहे हैं तो साथ के साथ वो नहीं हो सकता, उसमें एक लंबा प्रोसीजर होता है उस चीज का एंड उसमें कॉस्ट भी काफी ज्यादा आ जाती है। बट इन्होंने यहाँ पे बोला है कि अगर हम ब्लॉकचेन का डीएलटी का यूज करते हैं तो हम उस कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं एंड रियल टाइम में स्पीड के साथ हम उस ट्रांजैक्शन को फाइनली अप्रूवल दे सकते हैं। और चीजें इन्होंने बताई यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रेड फाइनेंस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताया कि कैसे हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज कर सकते हैं ताकि हम एक एज ए थर्ड पार्टी को यूज कर सके बीच में एज ए ट्रस्टेड पर्सन, कि हमने जो गुड्स है वो एक जगह से दूसरी जगह दिए और वहां से पेमेंट तभी रिलीज होगी जब वहां पे गुड्स पहुंच जाएंगे और ये ऑटोमेशन प्रोसेस होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू। तो इन्होंने बोला कि कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एज ए थर्ड पार्टी हमारे लिए ट्रस्टेड सोर्स का काम कर सकते हैं अगर हम इसको यूज करते हैं। तो काफी इन्होंने पॉजिटिव चीजें बताई, आप इनको मैं पूरा रीड करके नहीं बता सकता, आपको अगर रीड करूंगा तो काफी ज्यादा टाइम उसमें वेस्ट होगा, तो आप मेक श्योर इसको रीड जरूर करना अपना टाइम निकाल के, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अगर आप क्रिप्टोग्राफी का पढ़ते हो तो आपको मैक्सिमम 30-40 मिनट्स पढ़ेंगे, अगर आप पूरी रिपोर्ट पढ़ते हो तो उसमें आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा बट काफी ज्यादा हेल्पफुल वो भी आपके लिए रहने वाला है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बोला है द पेमेंट्स ओकर्स ओनली व्हेन द डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर मेड, गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रैक्ड इन रियल टाइम। तो ये सब इन्होंने पॉजिटिव बातें इसके बारे में बताई है अबाउट डीएलटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इन सब चीजों के बारे में। अब यहाँ पे मेन जो चीज आती है वो है डिजिटल करेंसीज एंड टोकन्स, जिसके बारे में उन्होंने बोला था कि पहले क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाएगा, इसके मतलब काफी क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है, बहुत इन्होंने नेगेटिव चीजें बताई थी। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो सब कुछ इन्होंने पॉजिटिव बताया। एक्चुअली इन्होंने यहाँ पे एक बेसिक सा रिव्यू दिया क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो यहां पे इन्होंने बोला है कि क्रिप्टो करेंसी इंटरेस्ट इन क्रिप्टो ग्लोबल इंटरेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी सर्ज्ड इन 2017 जब बिटकॉइन का प्राइस काफी ज्यादा न्यू हाइट्स के ऊपर था। और क्रिप्टो करेंसी क्या है, पीयर टू पीयर पेमेंट नेटवर्क है जहां पे आप पर्सन टू पर्सन प्राइवेटली या फिर मोस्ट इफेक्टिव वे से आप अपनी मनी जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हो। क्रिप्टोकरेंसी रैली ऑन द क्रिप्टोग्राफी टू फैसिलिटेट द रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑन ए सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स। यहाँ पे इन्होंने बाकी सब चीजें बताई, आप पढ़ सकते हो। एंड यहाँ पे आप ये देख सकते हो दिस डाटाबेस डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस मल्टीपल नोड्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क और इसी वजह से काफी ज्यादा सिक्योर भी होता है। इन 2014 मार्केट के अंदर 500 क्रिप्टोकरेंसीज थी, लेकिन अगर हम सितंबर की बात करें 25th of September 2018 तो यहाँ पे 1993 क्रिप्टोकरेंसी इन्होंने रिपोर्ट की है। ये जो टाइम है, जो रिपोर्ट है, ये बनी हुई है सितंबर के अराउंड, यानी कि एक साल पहले की रिपोर्ट है जो कि इन्होंने अब इशू की है। तो यहां से हमें ये चीज भी देखने को मिलती है कि जो इन्होंने जनवरी के अंदर रिपोर्ट बनाई थी जनवरी 2019 के अंदर, वो इन्होंने पहले ही सबमिट कर दी, और जो उससे पहले रिपोर्ट इन्होंने बनाई थी सितंबर 2018 के अंदर, वो इन्होंने बाद में सबमिट की। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है कि गवर्नमेंट का जो वे ऑफ सीइंग है क्रिप्टोकरेंसी को देखने का या फिर इन सब टेक्नोलॉजी को देखने का, वो थोड़ा चेंज हो रहा हो। तो होपफुली गवर्नमेंट का समझ में आ रही हो चीजें थोड़ी अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे इन्होंने 5 मेन क्रिप्टोकरेंसी ली है, 25th of September का इन्होंने डाटा लिया है। उस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस बताया कि इतना प्राइस बिटकॉइन का चल रहा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी है $112 बिलियन एंड USD में प्राइस $6,490 है। ये सितंबर का प्राइस है जब वो मेजर डंप आया था 6,000 स्पोर्ट टूटी थी, उस टाइम का इन्होंने डाटा लिया हुआ है। बिटकॉइन कैश, ईओएस, रिपल, इथेरियम, इन सब चीजों के बारे में इन्होंने यहां पे बताया है। अब यहाँ पे इन्होंने एक और मेन चीज आप यहां से ध्यान से पढ़िएगा, द मैकेनिज्म अराउंड क्रिप्टोकरेंसी पर्टिकुलर द ब्लॉकचेन एंड इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। यहाँ पे इन्होंने इनिशियल कॉइन ऑफरिंग को भी कवर किया, और यहाँ पे पढ़ने वाली चीज ये है कि आर रेवोल्यूशनाइजिंग द ग्लोबल फिनटेक लैंडस्केप, की ये सब चीजें जो है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, ब्लॉकचेन, ये जो है रेवोल्यूशन ला रही है फिनटेक लैंडस्केप के अंदर, यानी कि फाइनेंस टेक्नोलॉजी के अंदर। द इश्यू ऑफ इनिशियल कॉइन ऑफरिंग हैज इमर्ज्ड एज इनोवेटिव वे ऑफ कैपिटल रेजिंग, की कैपिटल रेस करने का एक नया तरीका हमें देखने को मिला है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के अंदर, जिसमें फिनटेक कंपनीज जो है जो ब्लॉकचेन से रिलेटेड है ये फंड रेस करती है अपने कॉइन्स ऑफर करके। एंड यहां पे इन्होंने बताया है कि स्टैट फॉर 2018 कि इन्होंने 7790 ICOs जो है इशू हुए थे September 25th तक 2018, जिसमें $20 बिलियन की जो अमाउंट है वो रेस की गई थी। उन्होंने बताया कि ICOs जनरली ऑपरेट एज ब्लॉकचेन बेस्ड फंडिंग प्रोसेस दैट इनेबल्स द इश्यूएंस ऑफ वर्चुअल कॉइन्स। ये चीज हमें पता है कि ICO के अंदर क्या होता है कि हम अपनी फियाट मनी देते हैं या फिर करेंसी देते हैं, उसके बदले में हमें कॉइन्स वगैरह मिलते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पे इन्होंने बताई है कि व्हाइट पेपर होता है, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन किया होता है व्हाइट पेपर के अंदर। तो ये सब चीजें यहाँ पे बताई है। और यहाँ पे ये चीज भी पढ़ने वाली है कि द रेगुलेशन ऑफ कॉइन्स आर और टोकन डिपेंड ऑन द करेक्टरिस्टिक्स एंड द पर्पज ऑफ विच दे आर बींग इश्यूड, की रेगुलेशन होगी जो कॉइन की, यानी कि अगर आने वाले टाइम में रेगुलेशन मिलती है कॉइन को, तो ये डिपेंड करते हैं कि उस कॉइन का करेक्टर क्या है, किस पर्पज से उसको इश्यू किया जा रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने दो कैटेगरी ली है अभी के टाइम में, यूटिलिटी टोकन और सिक्योरिटी टोकन, इन दोनों के बारे में एक्सप्लेन किया है। ये हम पहले से जानते हैं कि यूटिलिटी टोकन और ये क्या होता है, यूटिलिटी टोकन यानी कि हमें कुछ सर्विस मिल रही है बदले में उसका हम यूज कर पा रहे हैं, सिक्योरिटी टोकन। बट यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इन्होंने प्राइवेट टोकन का नाम यहां पे नहीं लिया है। तो पॉसिबली हो सकता है कि अगर रेगुलेशन मिलती है तो उसमें प्राइवेट टोकन जो है, प्राइवेसी टोकन जो है, उनको ये बैन कर दे, क्योंकि मेन इशू जो है प्राइवेसी टोकन का ही, उनको कोई ट्रैक नहीं कर सकता, वो सब मेन इशू है, मेन कंसर्न है गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज ली भी नहीं है, और यहाँ पे इन्होंने स्पेशली ये चीज मेंशन भी की है कि रेगुलेशन जो है वो पूरी डिपेंड करते हैं कि किस टाइप का कॉइन है और वो किस पर्पज से बनाया जा रहा है। तो पॉसिबल है कि अगर रेगुलेशन मिलती है तो यहाँ पे इसको बैन कर दिया जाए। आगे इन्होंने स्मार्टफोन्स एंड बाकी सब बहुत सी चीजों के बारे में बताया, अभी हम 19th पेज के ऊपर है जस्ट, और यहाँ पे 150 पेज की रिपोर्ट है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे भी इन्होंने काफी टेक्नोलॉजी रिलेटेड काफी बढ़िया बातें बताई हुई है, एंड बताया हुआ है कि कैसे जो फिनटेक है या फिर क्रिप्टो करेंसी कैसे काफी ज्यादा रेवोल्यूशन आने वाले टाइम में ला सकते हैं। यानी कि अगर हम अभी की बात करें, अगर हमारी कोई कंपनी है इंडिया की, अगर उसको रॉ मटेरियल चाहिए, अगर वो दूसरी कंट्री के किसी और कंट्री से वो
रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रही है तो उसके ऊपर उसको पेमेंट करनी पड़ती है, ऑब्वियस ही बात है, बट उस पेमेंट के ऊपर उसको काफी डिले देखने को मिलता है. यू नो, अभी वो पेमेंट कर रही है तो ऐसा नहीं है कि रियल टाइम के ऊपर उसके पास पेमेंट पहुंच जाएगी दूसरी कंट्री में, और उसका जो कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा होगा. यू नो दैट कि अगर हम बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर हम 1000 रुपए 5000 रुपए भी भेजते हैं तो उसके ऊपर हमारी 4-5 रुपए लग जाते हैं IMPS के, राइट. बट अगर आप सोचोगे इतनी बड़ी अमाउंट अगर किसी और कंट्री में भेजी जा रही है तो उसके ऊपर काफी ज्यादा कॉस्ट लगेगी. तो इन्होंने इस चीज के अंदर यही चीजें बताई है कि उसका काफी ज्यादा बेनिफिट हम उठा सकते हैं आने वाले टाइम में. क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के अंदर काफी कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा एंड काफी रियल टाइम के अंदर हमें ये चीजें यू नो स्पीड के थ्रू देखने को मिलेगी कि हम ट्रांसफर कर सकते हैं मनी को. इन्होंने ये चीज बोली है कि फिनटेक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, एंड हम अभी देख ही रहे हैं कि स्लो डाउन कैसे चल रहा है कंट्री के अंदर, तो हमें ये चीजें देखनी पड़ेगी कैसे कॉस्ट को कम किया जाए, कैसे ये सब चीजें किया जाए. तो काफी अच्छे से इन्होंने ये चीज एक्सप्लेन किया एंड काफी ज्यादा हैप्पी हूं मैं ये चीज देख के. गवर्नमेंट इसका जो मतलब यू नो सिक्के के दो पहलू होते हैं, गवर्नमेंट ने पिछली रिपोर्ट के अंदर एक सिर्फ नेगेटिव पहलू दिखाया था, बट इसके अंदर काफी पॉजिटिव चीजें भी बताई है, तो काफी ज्यादा हैप्पी है. आई होप जो चीजें चल रही है मार्केट के अंदर लोग ट्राई कर रहे हैं, यू नो काफी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं आप क्रिप्टो करेंसी को. नैसकॉम ने भी अपनी सपोर्ट दिखाई थी, और भी बहुत कंपनीज हैं जो सपोर्ट दिखा रहे हैं. तो धीरे धीरे गवर्नमेंट का हो सकता है माइंड चेंज हो एंड एट द एंड गवर्नमेंट जो है वो कुछ पॉजिटिव रेगुलेशंस के साथ आए. यू नो रेगुलेशंस भी जरूरी है, कुछ चीजों के ऊपर वो रेगुलेट करे अच्छे से कि ये चीज आप नहीं कर सकते, ये चीज कर सकते हो, बट बैन करना इज नॉट ए सोल्यूशन, राइट. तो मेरा तो अब यही मानना है कि जो मुझे लगता है इस रिपोर्ट को देख के कि काफी पॉजिटिव चीजें भी गवर्नमेंट के अंदर चल रही है, बट ये जब तक सबमिट होती है हो सकता है अभी तक 6 महीने लग जाए, उसके बाद ही पता लगेगा कि फाइनल कंक्लूजन किसके ऊपर गवर्नमेंट उतरती है, क्या इसको बैन करेगी या फिर कुछ रेगुलेशंस लेके आएगी. बट यहाँ पे एक चीज भी देखने वाली है कि हो सकता है गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में वो जो बैन वाली रिपोर्ट निकाली थी वो मतलब लोगों को अभी ऐसा दिखाना चाहते हो कि यस क्रिप्टो करेंसी हो सकता है बैन हो जाए तो तुम इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो, क्योंकि यू नो इंडिया में ब्लैक मनी का बहुत ज्यादा बड़ा इश्यू चल रहा है. गवर्नमेंट का जो मेन कंसर्न है वो यही है कि ब्लैक मनी को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा अगर क्रिप्टो करेंसी को हम रेगुलेट करते हैं, तो ज्यादा लोग इन्वेस्ट ना करते हैं देख के कि रेगुलेट हो रही है क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर. तो लोग जो धीरे धीरे हैं, जैसे कि स्विस बैंक में आप देख सकते हो कितने ज्यादा अमाउंट जो है बढ़ चुके हैं, 50% से इंक्रीज हो चुकी है, तो सब ब्लैक मनी होती है, उसमें से मोस्ट ऑफ मनी जो है वो ब्लैक मनी होती है, तभी लोग स्विस बैंक के अंदर करते हैं ताकि गवर्नमेंट को उसका पता ना लग सके. तो हो सकता है ये भी एक गवर्नमेंट की ट्रिक हो कि लोगों को दिखाए कि बैन हो रही है, लोग नेगेटिव हो जाए, क्रिप्टो करेंसी से पैसा निकाल ले, या फिर जो लोग और इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे, ब्लैक मनी अपना इसके अंदर डाल के मतलब रखने की सोच रहे थे एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, तो वो चीज ना करें एंड एट द एंड गवर्नमेंट कुछ पॉजिटिव रेगुलेशंस के साथ आए, अच्छे रेगुलेशंस के साथ आए, जिससे लोग जो एकदम से अपनी मनी जो है ब्लैक मनी वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर कन्वर्ट ना कर पाए. तो सब टाइप के सिनेरियोज हैं, हमें फाइनली देखने को पता लगेगा जब गवर्नमेंट की कुछ फाइनेंशियल ऑफिशियल रिपोर्ट आती है, हमें पता लगेगा तब कि क्या कुछ गवर्नमेंट इसके बारे में सोच रही है. तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड काफी हैप्पीनेस मिली होगी देख के कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर पॉजिटिव रेगुलेशंस भी अब चल रही है गवर्नमेंट के माइंड में. एंड मेक श्योर आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या एट द एंड इंडिया के अंदर क्रिप्टोकरेंसी लीगल की जाएगी या इलीगल की जाएगी. मेरे अकॉर्डिंग जो है लीगल की जाएगी, काफी रेगुलेशंस इसके अंदर ला सकते हैं वो, क्योंकि लीगल करना इज अ ऑप्शन, अगर इलीगल कर देते हैं वो कोई ऑप्शन नहीं बचता है. यू नो लीगल करेंगे काफी और चीजें उनको मिलेगी, काफी जॉब्स मिलेगी. अनएम्प्लॉयमेंट इस टाइम पे बहुत बड़ा इशू हो चुका है, 3-4 लाख जॉब जो है रिसेंटली गई है, मतलब अनएम्प्लॉयड हुए हैं लोग 3-4 लाख, तो बहुत बड़ी चीज है. गवर्नमेंट को ऐसा कुछ देखना पड़ेगा जिसके अंदर वो और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके, कॉस्ट इफेक्टिव चीजें कर सके, टाइमली चीजें कर सके, तो उस सब के लिए क्रिप्टो करेंसी इज द बेस्ट ऑप्शन. तो देखते हैं बाकी क्या चीजें, अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा. मेक श्योर ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी थोड़ी हैप्पीनेस मिले एंड उनके अंदर भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी आए. एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून.